हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली मैंने ये मोबाइल ख़रीदा था, सैमसंग का A32 मोबाइल, और मेरा इसको लेकर के रिव्यू बहुत बुरा है, मतलब एक्सपीरियंस भी बहुत बुरा है कि भाई इसकी कुछ चीज़ें हैं, कुछ फीचर्स हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि जो मैंने गलती करी है इस मोबाइल को ख़रीद करके वो आप लोग भी करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन खुला है या खुलने ही वाला है कुछ दिनों में, और फिर काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको मोबाइल ख़रीदना होगा। और ये सैमसंग का A32 जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत मोबाइल है, और सैमसंग एक ट्रस्टेड ब्रांड भी है जिस पर काफ़ी सारे लोग बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि भाई अच्छा मोबाइल बनाता है तो लोग खरीद लेते हैं सैमसंग। मैंने भी ख़रीदा था, मेरा जो पिछला मोबाइल था सैमसंग का वो बहुत अच्छा था, उसका कैमरा फीचर्स बहुत अच्छा था, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बहुत अच्छी थी। इसी वजह से मेरा प्लान था कि भाई मैं सैमसंग ही ख़रीदूँगा नेक्स्ट मोबाइल। तो सैमसंग का ये A32 मोबाइल जो है ये लगभग 23,000-24,000 कुछ का ये मोबाइल है, बट इसके फीचर्स उतने अच्छे नहीं हैं जितना इसका प्राइस है। मतलब इसमें तीन कैमरा दिए हुए हैं लेकिन इतने कोई काम के नहीं है, क्योंकि तीनों कैमरा की क्वालिटी कोई बहुत अच्छी नहीं है, नॉर्मल क्वालिटी है। सेकेंड चीज़ ये है कि इसका अनलॉकिंग फीचर बहुत ही बेकार है। मतलब जब आप या तो फिंगरप्रिंट वाला, तो इसमें वो दिया नहीं है कहीं पर सेंसर के आप फिंगरप्रिंट कर दो। अच्छा, स्क्रीन पे जो दिया हुआ है वो कभी वर्क ही नहीं करता ढंग से, बहुत बेकार तरीके से वर्क करता है, आप खोलोगे ट्राई करोगे खुलेगा ही नहीं, तो ये भी बहुत बेकार है। थर्ड जो है इसका फेस रिकॉग्नाइजेशन वाला जो फीचर है वो भी बहुत बेकार है, कि आप कितनी बार ट्राई कर लोगे फेस खोलने का लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो मैं इसका रिव्यू भी देने वाला हूँ कि भाई, और कंपनी में भी बोलने वाला हूँ कि भाई ये मोबाइल जो है अच्छा नहीं है, और शॉप पर भी बोलने वाला हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैंने खरीद लिया तो आप लोग एटलीस्ट ना खरीदें, आप लोगों का टाइम, आप लोगों का मनी वेस्ट ना हो, बस इस वजह से मैं चाहता था कि ये वीडियो बनाऊँ। और मैं आज मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि आज तो ये हैंग भी कर रहा था, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं बनाता नहीं कि चलो ठीक है यार, कि क्या ही किसी का नेगेटिव रिव्यू दो, बट आज ये हैंग भी करने लगा तो मुझे लगा कि नहीं यार भाई, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो आई जस्ट सजेस्ट यू गाइस कि डोंट नेवर बाय दिस सैमसंग A32 मोबाइल। हाँ, ये दिखने में बहुत ही अच्छा है, लुक काफ़ी अच्छा है, कलर भी इसका अच्छा है, बहुत स्लिम भी है और अट्रैक्टिव है, बट इसका कैमरा, जो कि आज कैमरा कितना इम्पोर्टेंट है हर इंसान के लिए, हर कोई कुछ ना कुछ कैमरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सबको, तो कैमरा ही अच्छा नहीं होगा तो कोई क्या ही मोबाइल खरीदेगा। तो कैमरा इसका बहुत बेकार है, और अनलॉकिंग फीचर भी बहुत बेकार है कि भाई लॉक ही नहीं खुलेगा, तो वो है। और अब मेरे को आज भी 2021 चल रहा है, 2021 में भी मैं पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ इस मोबाइल की वजह से, तो आई डोंट थिंक कि ये इतना सही है। अगर ये 10-12 हज़ार, 15 हज़ार का होता तो मैं सोचता चलो ठीक है यार, कि 12-15 हज़ार में क्या ही लोगे, लेकिन 23,000 का ये मोबाइल और 23,000 लायक इसके फीचर्स नहीं है, और थोड़ा सा हैंग भी कर रहा था तो फिर तो मूड ख़राब ही हो गया। तो आई जस्ट सजेस्ट यू कि डोंट बाय दिस मोबाइल, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि कोई मोबाइल खरीद रहा है तो उसको एक बार सजेस्ट कर दीजिएगा कि सैमसंग का A32 मोबाइल ना खरीदे, या कोई और भी सैमसंग का मोबाइल अगर वो खरीद रहे हैं तो एक बार पहले रिव्यू देख लें उसके, और या किसी पर्सनल ने खरीदा हो, किसी पहचान वाले ने खरीदा तो उन लोगों से कॉन्टेक्ट कर लें, बात करके पूछ लें। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं, बाय बाय।